फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सी फ्रॉक ड्रेस। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर शर्ट का फैब्रिक यूज़ किया है। कोई भी शर्ट आपके पास हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड में फैब्रिक को रखा हुआ है। जिसकी लेंथ मैंने यहाँ पर 8 इंच ली है और विड्थ की बात करूँ तो मैं यहाँ पर 5.5 इंच लूँगी ऊपर से, और बॉटम से भी मैं 5.5 लूँगी। लेकिन ये हमारा सिलाई की मार्किंग होगी एक तरह से। और यहाँ पर नीचे मैं जो है ना इसको हल्का सा ए शेप में कर दूँगी नीचे तक सिलाई के लिए इस तरह से। और अब मैंने यहाँ पर नीचे से ये 6 इंच ले लिया है, मतलब ऊपर से 5.5 रहेगा और नीचे से 6 इंच हो जाएगा। तो इसके बाद हम यहाँ पर नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की विड्थ हमने यहाँ पर 2.5 इंच रखी है चौड़ाई, और लंबाई हम यहाँ पर 3 इंच लेंगे आगे के नेक की, और 2.5 इंच लेंगे हम जो हमारा बैक नेक होगा उसकी। और इन दोनों को सीधा कर लेंगे, निशानों को इस तरह से गोलाई दे देंगे। उसके बाद शेप दे देनी है दोनों नेक की। इसके बाद सबसे पहले हम बैक नेक जो होगा वो कट कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ से इसको हमने साइड से भी कट कर लेना है। तो जी, कटिंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद मैंने यहाँ पर इसका फ्रंट नेक जो है उसकी कटिंग नहीं हुई है अभी, तो वो कट कर लेंगे पहले हम। ये देखिए, हमने रख लिया है इसको और इसकी कटिंग भी यहाँ पर कर ली है। तो जी, चोली पार्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद हम ये मैंने 2 पीसेस लिए हैं, ये नीचे के घेरे के लिए हैं, जिसकी लेंथ मैंने यहाँ पर 15 इंच ली है और विड्थ हमने यहाँ पर इसकी 24 इंच रखी है। अब इस फैब्रिक को मैं इस तरह से विड्थ वाइज मैंने इसको एक बार फोल्ड कर लिया है, ठीक है। और इसके बाद हमने देख लीजिए आप एक बार, ये लंबाई है और ये हमने निशान जो मैं लगा रही हूँ उसका, ये हमने चौड़ाई की साइड नीचे की साइड लगाया है। और इस तरह से निशान लगाते हुए हमने मतलब यहाँ पर एक गोलाई का शेप देनी है। आप अपनी मर्जी से यहाँ पर छोटा बड़ा शेप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक दोनों साइड से मार्क किया है, 4 या 5 इंच पे आप मार्क करेंगे तो आपकी बिल्कुल सही गोलाई आएगी। और मैंने गोलाई में यहाँ पर कटिंग कर दी है इस तरह से। इसके बाद हम इसको अभी बाद में लेंगे, पहले हम चोली पार्ट की सिलाई कर लेते हैं। तो चोली पार्ट को मैंने रख लिया है और उसके बैक साइड में मैंने 2 इंच का निशान लगाते हुए यहाँ पर कट लगा दिया है। अब इस कट को मैं सिलना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक पट्टी मैंने कट कर ली है और इसमें भी मैंने कट लगा लिया है। अब इसको मैं स्टिच कर दूँगी इसी तरह से यहाँ पर। तो ये देखिए, इसके साथ ही मैं इसको सिल ले रही हूँ। और इसको हमने राइट साइड पर रखते हुए सिलाई लगाई है, और इसको फिर हमें बैक में अंदर की साइड पर टर्न करके फोल्ड कर लेना है। अंदर की साइड पर ध्यान रखना है, ये अंदर की साइड पर मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ और इस पर सिलाई लगा लेंगे। और बहुत ही प्यारी ड्रेस है, आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा, बहुत सुंदर लगेगी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा बनाने में इसको। तो जी, मेरा एक पार्ट रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इसके शोल्डर जो है आपस में ज्वाइन कर दूँगी, क्योंकि जब हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है एक तरह से, सिर्फ नेक बचा है वो हम दोनों का इकट्ठा सिलेंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पर शोल्डर ज्वाइन कर दिए हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर नेक तैयार करूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर, मेरे पास एक साड़ी पड़ी हुई थी जिसकी मैंने यहाँ पर ये लेस उतार ली है, और इसको मैं इस तरह से हल्के हल्के से बीच में डालूँगी। इसमें रफल आप बोल सकते हैं उसको, या फिर आप प्लेट्स बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो वो डालते हुए हम यहाँ पर पूरे नेक पर मैं इस तरह से इसको स्टिच कर दूंगी। और ये मैं राइट साइड में लगा रही हूँ, ध्यान रखिएगा, राइट साइड से मैं इसको कर रही हूँ। और ये मेरी एक साड़ी की जो है ना लेस पड़ी हुई थी, तो वो मेरे आज काम आ गई अच्छे से। तो इसलिए आपके पास कोई भी इस तरह की चीज़ें होती है ना, आप उनको कभी ना फेंके, मतलब साड़ी की लेस वगैरह जो होती है, सूट में से बची हुई है, कुछ भी हो मतलब इस तरह की, तो आपके कहीं ना कहीं काम आ जाती है, मतलब किसी भी DIY करने में मतलब। तो जी, ये मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया है। इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कर दिया है कट, जो इसके आर्म होल है उसमें भी मैं ऐसे ही यहाँ पर
ये जो हमने लेस लगाई है ना यही अटैच करेंगे। तो मैं इसको इस तरह से रखूँगी जैसे आप देख रहे हैं, इस तरह से रखते हुए मतलब बाहर की साइड पर आपको जो लेस है उसका रुख करना है। तो मैं पहले इसको इस पर अटैच कर दे रही हूँ, उसके बाद इसको पलट दूँगी। रॉन्ग साइड से अटैच कर रही हूँ, मतलब मेरी जो लेस है वो रॉन्ग साइड से है और जो मेन फैब्रिक है यानी कि मेरा चोली पार्ट है वो सीधा रखा हुआ है मैंने। और इस तरह से रखते हुए इसके बाद मैं इसको बाहर की साइड पर, ये देखिए हमारे जो रुख है मतलब फ्रिल का, मतलब जो ये नेट है, नेट आप नेट बोल सकते हैं, लेस बोल सकते हैं इसको, जो आप चाहे आप इसको बोल सकते हैं। तो मैं इसको सीधी साइड पर मैंने इसको टर्न कर दिया है। सेम ऐसे ही मैं दूसरी साइड पर भी अटैच कर लूँगी। ये हमारे आर्म होल होंगे, ध्यान रखना है। तो जी इधर भी मैं अटैच कर लूँगी। तो सेम मैंने अटैच कर ली है नेक पे भी और दोनों आर्म होल पे भी। अब मेरे को लगानी है नेक पे यहाँ पर एक रेब की पट्टी। तो रेब की पट्टी ले ली है मैंने और इसको मैं अंदर की साइड करूँगी फोल्ड, और उसके बाद मैं इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके अटैच करूँगी पूरे नेक में। और ये मेरे को करना है रोंग साइड से, यानी कि जो हमारी रोंग साइड होती है फैब्रिक की उससे अटैच करूँगी, और इसको बाद में मैं सीधी साइड पर टर्न कर दूँगी। तो अभी पहले मैं अटैच कर ले रही हूँ उसको। और इसके बाद जब भी आप कभी भी मतलब गोलाई में या कोई इस तरह की ये रेप की पट्टी लगाते हैं, इसमें कट लगाना ज़रूरी होता है। वो इसलिए ज़रूरी होता है, इससे लगाने से फिनिशिंग आ जाती है, क्योंकि जो रेप की पट्टी आप कहीं पर भी लगाओगे ना, हल्का सा झोल सा आ जाता है मतलब, तो वो झोल निकल जाता है कट लगाने से ना। और इसके बाद मैं इसको टर्न करते हुए बाहर की साइड करते हुए मैं इसे पूरे पे सिलाई लगा लूँगी। और सिलाई मैंने लगा ली है। इसके बाद अब बारी आती है हमारे बॉटम पार्ट की, यानी कि जो हमारा गैदरिंग वाला हिस्सा है उसकी। तो मैं लगभग ऊपर से मैंने 5 इंच छोड़ करके तब मैं इस वाले पार्ट पर फ्रिल लगा रही हूँ। एक पार्ट पर हमें पूरे में फ्रिल अटैच करनी है और एक पार्ट पर मैं 5 इंच ऊपर से छोड़ते हुए फ्रिल को अटैच करूँगी। तो आप देखिएगा कैसे मैं इस फ्रिल को लगा रही हूँ, ये देखिए, और सीधा ही लगा रही हूँ उसको। मैं फैब्रिक पर सीधा रखते हुए इसको अटैच कर देंगे। तो जी मैंने यहाँ पर ये अटैच कर दी है दोनों साइड से। मैंने 5-5 इंच छोड़ा है इस वाले पार्ट पे मैंने, ये देखिए। अब इसमें मैं ऊपर की साइड पर लगाऊंगी यहाँ पर कच्ची सिलाई, यानी कि बड़ी चाल करते हुए, क्योंकि मुझे इसमें करनी है गैदरिंग। तो मैं यहाँ पर धागा खींच करके गैदरिंग करूँगी। तो ये देखिए मैंने धागा खींच, ये देखिए इस तरह से धागा खींच लिया है मैंने यहाँ पर। और अब मैं इसको इकट्ठा करते हुए इस तरह से गैदरिंग कर लूँगी इसमें। तो जी ये देखिए, और जो ये पार्ट हम रेडी कर लेते हैं पहले, फिर दूसरा पार्ट दिखाऊंगी आपको वो कैसे तैयार करना है, वो इससे थोड़ा सा अलग तरह से रेडी करना है। इसमें मैं क्या करूंगी, ऊपर से ही फ्रिल को लगाना स्टार्ट करूंगी। और ये वाला जो पार्ट होगा इसको हमने फ्रंट साइड में रखना है, जिसमें हमने पूरे में अटैच की है लेस, ठीक है जी। तो पूरे पे कर लेती हूँ इसके मैं। और इसमें भी चुन्नट डालने हैं, ऐसा नहीं है कि चुन्नट नहीं डालने हैं। हल्की हल्की सी यहाँ पर प्लेटें डालनी है, बिल्कुल छोटी छोटी सी, आधा आधा इंच की लगभग, ज़्यादा नहीं डालनी है। तो देखिए मैंने ये चोली है हमारी। अब इसके साथ हम वो जो हमारे दो पार्ट है जो हमने फ्रंट और बैक के लिए नीचे के हिस्से तैयार किए हैं, उनको देखिए मैंने ले लिया है। अब इनको मैं ये आगे वाली साइड पर अटैच होगा जिससे पूरी में फ्रिल हमने लगाई हुई है, तो आपको दिखाती हूँ अभी। तो देखिए इस तरह से हमने इसको अटैच करना है इसके साथ में। तो इसके बराबर कर लेना है पहले हमें इसको, और फिर इसके साथ में हम इसको अटैच कर देंगे इस तरह से सिलाई लगाते हुए। और सेम ऐसे ही जो बैक साइड वाला पीस है वो ले लेंगे हम, और उसको हम कर देंगे बैक वाले पार्ट के साथ में अटैच। तो ये देखिए इस तरह से। तो अब दिखा देती हूँ आपको कैसे अटैच करना है। तो देखिए मैं इसको एडजस्ट करके अटैच करूँगी। तो एक साइड पे मैंने अटैच कर दिया है, सेम ऐसे ही मैंने दूसरा वाला पार्ट भी यहाँ पर अटैच कर लिया है, ये देखिए। अब इसको मैं यहाँ पर देखिए सिलाई हमने कैसे लगानी है, दोनों को ज्वाइन कैसे करना है आपस में, ये चीज़ देखनी है।
तो जो छोटे वाला जहाँ पर हमने कमलेस लगाई है उस वाले हिस्से को हम अंदर की साइड पर करेंगे फोल्ड, ठीक है। और इसके बाद ऊपर से इसके इस तरह से लेस वाले पार्ट को रख करके सिलाई लगानी है। ये हमने ऊपर से ही सिलाई लगेगी ये, ठीक है, ऐसे सिलाई लगानी है। आप देख लीजिए एक बार कि कैसे हमने सिलाई लगाई है। इस पार्ट को हम अंदर की साइड करेंगे फोल्ड जिस पर लेस नहीं लगी हुई है, और ऊपर से यहाँ पर लेस वाला पार्ट रखेंगे। और वहाँ से रखना है ये लेस वाला पार्ट हमने जहाँ पर हमने दोनों चोली पार्ट ना अटैच किए हैं। ये देखिए, यानी कि आर्म होल तैयार हो जाएगा ऊपर का हमारा। आप देख लीजिए एक बार, सेम ऐसे ही मैं दूसरी साइड पर भी अटैच कर लूँगी। तो जी देखिए, अटैच हो चुका है और ये हमारा फ्रॉक बनकर रेडी है। इसके बाद हम ब्लूमर की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड में फैब्रिक को रखा हुआ है। और इसकी लेंथ हमने 11 इंच ले ली है और विड्थ इसकी हमने यहाँ पर 7 इंच ली है चौड़ाई इसकी। इसके बाद मैं यहाँ पर 1.5 इंच पे ऊपर से मार्क कर लूँगी, जो कि मेरे को करना है फोल्ड ऊपर से फोल्ड करने के लिए। इसके बाद जिधर हमारा ओपन हिस्सा है वहाँ से हमने 4 इंच पे एक मार्क करना है, और बॉटम साइड से मैं यहाँ पर 2.5 इंच पे एक मार्क करूँगी सेंटर पे, जिधर हमारा बंद हिस्सा है उधर से निशान लगाया है। इसके बाद इसको हल्का सा तिरछा करके मुझे निशान लगाना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। और 11 इंच पे मैं सीधा करते हुए यहाँ पर कटिंग कर लेंगे इसकी। तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें, ब्लूमर बनाने में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, बिल्कुल सिंपल कटिंग होती है इसकी। अब मैं दोनों को रखते हुए सिलाई कर लूँगी। सबसे पहले हमने नीचे साइड पर सिलाई लगा लेनी है इसके, इस तरह से दोनों पार्ट को इस तरह से हम यहाँ पर जॉइन कर लेंगे। देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है, अभी देखिए इस तरह से आएगा। और यहाँ पर हमने इसमें डालनी है इलास्टिक, तो इलास्टिक ले लेंगे। तो मैंने 2 इलास्टिक ली है दोनों साइडों के लिए। तो मैंने 11 इंच की इलास्टिक ली है, आप अपने बच्चों की एक बार थाई मेज़र कर लीजिए, उसी हिसाब से इलास्टिक लीजिएगा। और मैं इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए एक बार अच्छे से पहले पक्का कर लूँगी, जिससे कि इलास्टिक हमारी इसके अंदर दब जाए। और उसके बाद हल्की सी इलास्टिक खींच करके उसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से, और इस वाले हिस्से को भी मैं ऐसे ही मतलब पूरे में खींचते हुए हल्की सी इलास्टिक को हम सिलाई लगा देनी है। मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर की इलास्टिक थी मेरे पास, वो यूज़ की है। आपके पास जो भी हो आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने पतले वाली इलास्टिक ली है। इसके बाद मैंने इसमें लगानी है फ्रिल, तो फ्रिल लगाने के लिए देखिए इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से रख के। और इसको खींचना है इलास्टिक को, हमने जितनी हमारी इलास्टिक पहले खींची हुई है ना, वो खींच करके ही लगाना है, ऐसे नहीं कि सीधे लगा देना है उसमें। उससे क्या, अगर सीधे लगाओगे अगर आप, तो वो इलास्टिक वहीं की वहीं पर ना सेट हो जाएगी, वो खींचेगी नहीं फिर आगे। तो इसीलिए इलास्टिक को खींचते रहना है, इलास्टिक वाले फैब्रिक को भी, और ऊपर से ये फ्रिल अटैच करते रहना है हमने। ये लेस वाला पार्ट भी इस तरह से हल्के से चुन डालते हुए, इसमें चुनर डालने हैं हल्के से, यानी कि हल्की सी हमें प्लेटें डालनी है इसमें। तो जी मैंने लगा दिया है ये, और सेम ऐसे ही दूसरे वाली साइड भी मैं रेडी कर लूँगी, जैसे हमने ये वाली साइड रेडी की है। तो मैंने यहाँ पर देखे दोनों साइडें रेडी कर ली हैं। इसके बाद मैं दोनों हिस्सों को इस तरह से रखूँगी और ये साइड वाली जो सिलाई है वो हम लगा देंगे, ये देखिए इस तरह से। और ये सिलाई हमने दोनों साइडों में लगानी है, और इस लेस जो है लेस वाला पार्ट हमारे नीचे की साइड में कर देना है। ये देखिए जैसे सिंपली इस तरह से हम इसमें सिलाई को लगा लेंगे। और मैंने यहाँ पर दोनों साइड पर डबल सिलाई की है, मतलब जो किनारे हैं वहाँ से मैंने पक्का किया है। इसके बाद ऊपर से नेफा फोल्ड करेंगे, तो नेफा हमने 1.5 इंच का फैब्रिक जो रखा था एक्स्ट्रा, उसको करते हुए हमने फोल्ड कर देना है। और इसमें जो इलास्टिक डालूंगी मैं, वो पतले वाली डालूंगी, जो 1/2 इंच से हल्की सी कम होती है, वो वाली इलास्टिक है मेरे पास, मैं वही यूज़ करने वाली हूँ।
और मैंने यहाँ पर नेफे में 2 इंच का गैप छोड़ दिया है जहाँ से मैं इलास्टिक को डाल दूँगी। और जी मैंने यहाँ पर 18 इंच की तो आपको इलास्टिक लेनी ही लेनी है, तो आप बच्चे की वेस्ट मेज़र कीजिएगा जितनी भी होगी, तो उससे 1 इंच या 2 इंच ही कम रखनी है, ज़्यादा कम नहीं रखनी है। तो जी मैं इस पर सिलाई लगा दूँगी और ये हमारी अच्छे सिलाई लगा देनी है इसमें, ताकि ये हमारी खुल ना जाए इलास्टिक। तो मैंने सिलाई लगा दी है और इसके बाद मैं यहाँ से इस हिस्से को बंद कर दूँगी जो हमने खोला था, जहाँ से हमने इलास्टिक को डाला है। तो मैं इस वाले हिस्से पर लगा दे रही हूँ सिलाई। तो देखिए इस तरह से मेरी जो ब्लूमर है वो रेडी हो चुका है। तो अगर आपको यह ड्रेस पसंद आई हो और आपको आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।